गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते क्वेश्चन थर्ड प्रूव करना है अपन को। यहाँ पर टू साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू 10 इनवर्स 24/7। यहाँ पर हमको प्रूव करना है, तो यहाँ पर हम क्या लेके चलते हैं, एलएचएस पार्ट लेके चलते हैं। 2 साइन इनवर्स 3/5 हमको लाना है क्या, 10 इनवर्स 24/7। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, साइन को 10 में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो आपको पता है आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और 10 का रेशियो क्या होता है हमारा, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस निकालने की डायरेक्टली निकाला हुआ है यहाँ पर हाइपोटेनियस माइनस हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कितना आएगा हमारा 60 बचेगा, और 60 का स्क्वायर कितना था 4। डायरेक्टली निकालना, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर 10 इनवर्स का जाएगा हमारा 3/4। अभी वैल्यू कहाँ पुट करते हैं साइन की प्लेस पर, तो ये जाएगा 2 10 इनवर्स 3/4। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है 2 10 इनवर्स x, 2 10 इनवर्स x क्या होता है हमारा 10 इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पर फॉर आइडेंटिटी लगाई हमने 10 इनवर्स 2 x यानी कि 3/4 अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा है, यहाँ बचेगा 3/2 और यहाँ जाएगा 4x स्क्वायर, इधर जाएगा एलसीएम लेंगे तो 60 माइनस 9 7। तो यहाँ पर हमारे एलसीएम पार्ट आ जाएगा। ठीक है, हमारा क्या गया पर क्वेश्चन फोर्थ हमारा साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू प्रूव करना है यहाँ पर 10 इनवर्स 77/36। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम थोड़ा डायरेक्टली निकालेंगे, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस, इसका बेस क्या आएगा 15 और इसका बेस क्या आएगा 4, हमने क्वेश्चन में निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 इनवर्स 8/15, यह हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोनों जगह वैल्यू पुट करते हैं 10 इनवर्स x, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स y, प्लस 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y की आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x y। तो यहाँ पर x क्या होगा हमारा 8/15 और y क्या होगा हमारा पर 3/4। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगा लेते हैं 10 इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 अपॉन में 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 15 इंटू 4 का जब मल्टीप्लाई 3 का 15 का जब मल्टीप्लाई, तो 8 4 जा 32 प्लस 15 45 अपॉन में, ऐसे यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 15 6 जा 15 4 जा 60 60 पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 60 माइनस 8 जा 24 अपॉन में एज किस रहेगा, ये टर्म्स है टर्म्स का जाएगी कैंसिल। सिंप्लीफाई करेंगे तो 32 प्लस 45 कितना था 77 और 60 24 माइनस 36। तो यहाँ पर भी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसके कुछ और क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।